नीट परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तमाम तरह की लापरवाही को लेकर छात्र और उनके माता पिता एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जिनको अच्छे नंबर भी आए हैं तो वो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उसे अच्छा कॉलेज ही मिलेगा। अदालतों में नीट परीक्षा को लेकर जनहित याचिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सुनवाई 8 जुलाई को होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बच्चों के बीच कॉलेज में एडमिशन को लेकर चिंता की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एनटीए आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। स्टेट में 648 नंबर पे भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, यहां तक कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा। सिलेक्शन भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो कितनी मेहनत कर सकता है एक बच्चा। आंखों में डॉक्टर बनने के सपने संजोए निकले इन छात्रों के हौसले पहली सीढ़ी पर ही पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा की तैयारी में सब कुछ झोंक देने के बाद इनको उम्मीद थी कि वो अच्छे नंबरों से पास करेंगे। जब रिजल्ट सामने आया तो वो शानदार अंकों से पास भी हुए, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनके जैसे अच्छे अंक हजारों बच्चे के आए हैं तो उनका अच्छे कॉलेजों में दाखिला लेने का सपना टूटता नजर आ रहा है। नीट में इस बार का रिजल्ट इस तरह का है कि टॉपर भी देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का दावा नहीं कर सकता। मतलब ये कि बच्चों के नंबर तो अच्छे आए हैं लेकिन उनकी रैंक खराब है। नतीजा ये रहा कि उनको अच्छे कॉलेज मिल पाने के बीच में कई किंतु परंतु लगे हुए हैं। तो स्टेट में 648 नंबर पे भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा मेरे को। अब इसमें मेरी क्या गलती रही? ग्रेस मार्क्स उन्हें दिए तो इसमें मेरी क्या गलती रही? तो यही कहना चाहूंगा कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच करें, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद कोई चारा नहीं है इससे बाहर आने का। भैया ये 648 नंबर थे पर फिर भी जैसे इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, काफी मुश्किल हो रही है। तो अब आगे ये बताइए ना कि और इससे ज्यादा, तो अब आप आगे ये बताइए कि हम इससे ज्यादा और क्या ही टारगेट बना सकते हैं। 648 तो काफी मार्क्स होते हैं ना। पिछले साल जैसे कि आपने देखा था कि 648 पे काफी अच्छी रैंक थी, पर इस साल 648 पे सिलेक्शन भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा, तो कितनी मेहनत कर सकता है एक बच्चा। ग्रेस मार्क्स की वजह से बड़ी संख्या में लोग टॉप पर आ गए हैं और अच्छे नंबर लाने के बाद भी दूसरों की रैंकिंग बिगड़ गई है। यानी जिनकी 3000 से 3500 के बीच रैंक की उम्मीद थी वो 7400 को पार कर गए हैं, जिससे इन छात्रों के लिए टॉप के कॉलेज दूर की कौड़ी साबित हो रहे हैं। 2024 के एग्जाम में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जिन बच्चों के 570, 580 नंबर आ रहे थे उनको ग्रेस दे के 720 दे दिए गए हैं, कई वो ग्रेस दे के 550 वाले को 700 दे गए हैं। जिन बच्चों के ईमानदारी से 650 नंबर आ रहे हैं उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा परेशान तो वही लोग हैं जिनके 620, 630 नंबर आ रहे हैं। 640, 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज। पिछली बार 610 तक के मिल गया था सबको। सबसे ज्यादा वही परेशान है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रैंक बढ़ने की वजह ग्रेस मार्क्स देने वाली व्यवस्था है। ग्रेस मार्क्स की वजह से नीट रैंकिंग का समीकरण बदला है और अच्छे नंबर लाने वाले भी रैंकिंग की लिस्ट में नीचे पहुंच गए हैं। जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी, 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10000 आई, चलो वो भी ठीक है, कॉम्पिटिशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40000 रैंक आ रही है। 10000 से 40000, अचानक से 30000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। लेकिन एनटीए धांधली के आरोपों से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि सिर्फ 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। कैसे मार्क्स का बंटवारा किया गया है ये सुनिए। जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए उसमें कितने सही किए कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फॉर्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। वैसे एनटीए ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, उसी के फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही काम होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई 8 जुलाई को होगी और अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। लेकिन दूसरी ओर पीआईएल दाखिल करने का सिलसिला जारी है।
दिल्ली हाईकोर्ट में भी नीट नतीजे से जुड़े कई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। दिल्ली से संजय शर्मा, मनीषा लड्डा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, अपडेट यह है कि आज फिर नीट मामले में सुनवाई होनी है। ऐसे में एनटीए आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। असल में इसी मामले में देश की अलग अलग हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तो एनटीए आज सुप्रीम कोर्ट से इन सभी अलग अलग हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने की मांग कर सकता है। अब तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी नीट मामले में 5 जुलाई की सुनवाई की अगली तारीख तय की है, लेकिन जो बड़ी बातें हैं उसमें ये कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है, लिहाजा ऐसे में देश के 7 अलग-अलग हाईकोर्ट्स में नीट को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं, और इसके अलावा अलग अलग हाईकोर्ट्स में अलग-अलग सुनवाई होती है और उसके साथ ही वहां से अलग अलग आदेश होते हैं, तो इसमें भ्रम की स्थिति और बढ़ेगी याचिकाकर्ताओं में, या फिर कहें तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रतियोगी हैं, जिन्होंने इसमें उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है, उनमें भ्रम की स्थिति बढ़ेगी। लिहाजा नीट की ओर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला है, जिसमें वो ये बताएगा कि जितने हाई कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला ले और यहीं पर ही एक साथ सुनवाई हो, ताकि इसमें जो भी होना हो एक जगह ही हो, किसी तरह के विभ्रम की स्थिति ना फैले। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाई है तो वो काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई करने वाला है, जिसमें कि बुधवार को ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ ने ये साफ कर दिया कि ना तो काउंसलिंग पर रोक लगेगी ना रिजल्ट को अभी तक रद्द किया जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा है कि चूंकि इस मामले में प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है और इसलिए रेगुलर बेंच, जब इस मामले में अवकाश खत्म होगा ग्रीष्मावकाश, तो फिर रेगुलर बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। एनटीए की सफाई कोर्ट में जारी कार्यवाही के बीच छात्रों का धरना लगातार जारी है। उनकी मांग है कि दोबारा नीट की परीक्षा करवाई जाए। क्या क्या है छात्रों की समस्याएं और मांगे, आइए आपको सुनवाते हैं। तमाम बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी सैनी है। इस साल मैंने नीट 2024 का एग्जाम दिया था, मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था। मेरे 660 मार्क्स बने हैं, जिसमें मुझे बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है एंड इवन दिल्ली भी मिल जाता। मेरी रैंक 4,000 to 5,000 के बीच में आनी चाहिए थी, बट इट इज़ अराउंड 22,000। एंड इसका एनटीए जवाब दे रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो हर साल बढ़ते हैं एंड इस साल अगर हम स्टैट्स देखेंगे तो 12% से बढ़ा है, बट रैंक इन्फ्लेशन इज 500%। और वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए। बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं? अब एक इतने सारे प्रूफ्स हमारे सामने आ रहे हैं कि अगर आपने भी सुना होगा झज्जर सेंटर का आया, 6 कैंडिडेट्स, एक ही सेंटर, 720.5 एंड एनटीए सेइंग हमने ग्रेस मार्क्स दिए 1563 कैंडिडेट्स। अगर आपने 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए, कितने दिए, प्रूफ क्या है? आप कह रहे सीसीटीवी से आपने देखा, सीसीटीवी पब्लिश क्यों नहीं कर रहे आप? एंड अगर ग्रेस मार्क्स को अगर हम इतना एम्फसाइज कर रहे हैं सर, तो फिर उससे अगर आप हटा भी देंगे ना उन्हें, तो हमारी रैंक पे कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज लीक हैज बीन द मेन इशू। पटना में FIR के अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, कर्नाटका, गुजरात, हर जगह के आ रहे हैं, और NTA कह रही है कि लीक तो कहीं से भी नहीं हुआ है। एंड अगर हम NTA जा रहे हैं कि हुआ है, वो हमें कह रहे हैं आप प्रूफ दीजिए। सर आप बताइए, हम यहाँ पे जितने भी बच्चे खड़े हैं, हम प्रूफ कहाँ से लेके आएंगे? हम सारे 24 लाख स्टूडेंट्स के पास नॉक थोड़ी करेंगे उनके घर पे कि प्रूफ है ये लीजिए। NTA समझ नहीं रही है, हम कह रहे हैं कि आपको CBI को लाना चाहिए, आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, पर NTA मानने को तैयार नहीं है। और वो जब भी न्यू नोटिफिकेशन ला रही है, इतने मैसेजेस करने हैं, तब एक डालते हैं, फिर दूसरा डालते हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट को। ये तो सर मेरी एक साल की मेहनत इन्होंने एक महीने में बेकार कर दी ना, ये तो वो वाली बात हो गई। और दूसरा, ये तो स्कैम इस साल बाहर आ गया, जो हमसे बाद वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? उनका तो कॉन्फिडेंस यही देख के गिर जाएगा कि 653 या 660 मार्क्स आने के बाद भी आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा, तो लोग तो इस फील्ड में आना ही छोड़ देंगे।
कि आगे का जो टेस्ट है उसमें कितना स्कोर करना है और पहले से अच्छा स्कोर करना है। सर मेरा ये जो था थर्ड अटेम्प्ट था और सर मेरे 626 मार्क्स बन रहे थे, इसके अंदर मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है यूपी के अंदर, पर अभी मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ MBBS का ही नहीं और भी किसी जो डोमेन्स है इसके नीचे उसमें भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरी 52K रैंक चली गई है। और सर इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अब NTA भी शामिल है कहीं ना कहीं, और मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक ग्रेस मार्क्स की वजह से इतना ज्यादा, मतलब पिछली बार 610 जो था वो एक कट ऑफ गया था यूपी के अंदर, लेकिन अब वो 660 चला गया है। तो सर 50 मार्क्स का शिफ्ट, मतलब एक ही साल के अंदर सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो सारी एक ही साल के अंदर हो गई है, सारे जो बच्चे वो एक ही साल के अंदर आ गए हैं। तो मेरा जो सवाल, काफी सारे सवाल है मेरे NTA से, सबसे पहले कि पटना के अंदर सारे सवाल पूछ लिए, पूरा मौका आपके पास है, इतना टाइम आप चाहें। सबसे पहले कि जैसे पटना के अंदर लीक का एकदम मामला साफ है, उसके अंदर FIR भी दर्ज करी गई है और एकदम डिटेल्ड है, उसको अगर कोई भी इंसान पढ़ेगा तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी उसे कि उसका पेपर लीक मतलब हुआ है। तो फिर इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ऐसी गुजरात के अंदर भी पेपर लीक का पूरा पूरा प्रूफ है और लोगों को अब अरेस्ट भी कर लिया गया, उन लोगों को बेल नहीं मिल पा रही है। तो अगर या तो इसमें पुलिस या तो झूठ बोल रही है, फिर NTA झूठ बोल रहा है, कोई ना कोई तो झूठ बोल ही रहा है। अब जैसे 24 लाख बच्चों की बात नहीं है, अब पेरेंट्स सबकी फैमिलीज में सबको एस्पिरेशन होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। मेरी फैमिली में, मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में मैं अकेला डॉक्टर बनने वाला था, मेरे 650 मार्क्स है, मेरा इस साल आराम से 8,000-9,000 रैंक आती, बट कितनी है 28.5K। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन और NTA बोलता है कॉम्पिटेंट हो गए हैं बच्चे, एक ही साल में सारे बच्चे कॉम्पिटेंट हो गए, सारे पेपर लीक हो गए, सब कुछ एक ही साल में हो गया, ग्रेस मार्क्स भी इसी साल दे दिए और फॉर्मूला भी नहीं बताया। अगर ये 718-719 नंबर नहीं आते तो हम क्या सोचते कि कट ऑफ हाई चली गई, तो इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। और ग्रेस मार्क्स पे भी अभी तक इन्होंने कुछ कहा नहीं है, अब लोग कह रहे हैं कि रीइवैल्यूएट करवाओ। अब जिनके पास पहले से ही पेपर था उनके ऑलरेडी 700 मतलब ऐसा तो है नहीं कि सबके 720 आ जाएंगे, जिनको जिनके पास पेपर है उनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि वो पूरा पेपर लेके भी फुल मार्क्स ले आए। तो ये 650 से 720 के बीच में बहुत बच्चे हैं जिनके पास पेपर लीक ऑलरेडी होगा, तो अगर हम रीवैल्यूएट भी करवाएंगे तो भी वो उन बच्चों के तो उतने ही मार्क्स रहेंगे। तो इसका ओनली सॉल्यूशन है कि रीनीट हो, सबका हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, हमें बस जस्टिस चाहिए। वो इमेज टूटी है, सपने बिखर गए हैं, मेरे बेटे के 670 नंबर है, 670 बहुत अच्छे माने जाएंगे तो बिल्कुल, लेकिन हम ये सोच रहे थे दिल्ली में कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो इसकी रैंक है वो 15,000 के करीब है, आप बताइए कहीं ना कहीं कोई ना कोई घपला तो हुआ ही है। और लोगों का कहना है भाई गवर्नमेंट जो भी है कह रहे हैं NTA से जवाब लो, NTA के पास चाय के अलावा किसी बात का जवाब नहीं है। पूरे साल बीमार था इस चक्कर में, मतलब इस हिसाब से बहुत अच्छे मेहनत उसने करके नंबर लाए तो हमें बहुत खुशी थी। इसने बोला कि मतलब मम्मी आपकी बार हमारा सिलेक्शन पक्का, हम तो यही बोल रहे थे अब हम डॉक्टर के मम्मी बनेंगे पक्का। हर किसी से हंस के बेटे के चेहरे पे बहुत स्माइल थी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बेटे ने कहा मम्मी सब कुछ खत्म हो गया, हम इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। हमारे बेटे ने सीधा बोला मम्मी मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो देखिए फर्जीवाड़े के आरोप के साथ नीट अभ्यर्थी दोबारा जो है नीट करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ी मेहनत के बाद अच्छा नतीजा ना मिलने से बच्चों और उनके माता पिता का धैर्य जो है टूट रहा है। ऐसे हालात में एक्सपर्ट ने कुछ सलाहें दी हैं जो इस मुश्किल वक्त में छात्रों के काम आ सकती है, सुनिए। इस पे टेक्निकल और फोरेंसिक ऑडिट करने चाहिए। 24 लाख पे पूरे डेटा पे जब भी करोगे ना, शायद आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जहां भी आपको कुछ गलती दिखती है, या लेट से 1600 बच्चे ही, जो कुछ भी आपको वो टेक्निकल ऑडिट से वो जहां स्कोर इन्फ्लेट हुआ है उनको सेपरेट करने चाहिए, बाकी सबको नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस से शुरू कर देना चाहिए। एंड अदर पीपल मस्ट हैव अ सेपरेट एग्जामिनेशन एंड ब्रिंग देम बैक टू द सिस्टम, क्योंकि वापस 24 लाख बच्चों को यही रीटेस्ट से अंदर डालना है बहुत ही मुश्किल काम है। बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करें ताकि वे परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। आजकल बच्चे यंग एज से कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों के साथ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट 100% रहता है, पेरेंट्स का समय, पेरेंट्स की एनर्जी और पेरेंट्स का पैसा। पेरेंट्स अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो बच्चे को भी एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, और पेरेंट्स जितना
एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर पर बच्चे को दे सकें उतना उसे दें, ताकि बच्चा अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी देखे और एग्जाम की तैयारी करे। क्या इस कट ऑफ लिस्ट को जो वो जारी कर रहे हैं, इसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कोई रिलेशन है, जिसमें वो 15 नंबर 20 नंबर की बात कर रहे हैं, किसी साल का 140 दिखा रहे हैं, किसी साल का 235 दिखा रहे हैं, तो क्या इस कट ऑफ का मेडिकल के सरकारी मेडिकल एंट्रेंस से कोई मतलब है? एकदम नहीं है। इस कट ऑफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्था से है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो भी कैपिटेशन फी लेते थे, विगत कुछ वर्षों से वो फीस पूरी की पूरी बंद हो गई है। कह लीजिए वो मैनेजमेंट कोटा के सारे एडमिशंस नहीं ले पा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए, मतलब मैं बहुत नॉमिनल फिगर बता रहा हूँ, हजारों करोड़ रुपए जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेते थे मैनेजमेंट कोटा के नाम पे, कहीं ना कहीं वो पैसा विगत 6-7 सालों से रुका हुआ है। इस कट ऑफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन से है, न कि इस कट ऑफ का मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन से। तो ये एनटीए को समझना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो एनटीए को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश का भविष्य जाएगा कहाँ। बात करेंगे T20 विश्व कप में भारत की तीसरी धमाकेदार जीत की। टीम इंडिया ने ग्रुप ए मैच में अमेरिका को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। जीत पर भारतीय फैंस झूम उठे। दरअसल ये मैच बड़ा रोमांचक रहा। न्यूयॉर्क में हुए मुकाबले में पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की, जिसके जवाब में अमेरिका ने 20 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 110 रन बनाए और भारत ने महज 18 ओवर 2 गेंदों में ही 3 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 50 रनों की शानदार पारी खेली और शिवम दुबे ने नाबाद 31 रन का योगदान दिया। हालांकि शुरुआत में भारत ने 10 स्कोर पर विराट कोहली और शर्मा के विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभालने की तमाम कोशिश की। हालांकि पंत 18 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन अंत में सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने रिकॉर्ड साझेदारी करके शानदार जीत दिलाई और जीत इतनी धमाकेदार रही कि फैंस स्टेडियम में झूमते हुए नजर आए। नीट परीक्षा में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा एनटीए, वो खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के उत्साह को भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए न्यूयॉर्क में हमारे संवाददाता विक्रांत लगातार T20 विश्व कप पर नजर बनाए हुए हैं। जीत के बाद लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, देखिए रिपोर्ट। सबको नमस्कार। आप जानते हैं कि भारत ने यूएस को हराकर सुपर 8 में जगह बना ली है। अब आमतौर पर आप देखते हैं कि जब मैं शो करता हूं तो किसी मैदान में या किसी जगह पर खड़ा होता हूं, आज मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं आज वहां खड़ा हूं जहां भारत के फैंस इस जीत का कर्मभूमि वर्सेस जन्मभूमि, कर्मभूमि वर्सेस मातृभूमि, जन्मभूमि एंड धर्मभूमि। जन्मभूमि जन्मभूमि टीम इंडिया की शानदार पारी पर उनके फैंस बेहद खुश हैं। सुने मैच बहुत अच्छा लगा, इंडिया प्लेड रियली वेल, यूएस इज अ वेरी गुड टीम एंड दे आर नॉट मीनर्स एनीमोर, दे आर वेरी कॉम्पिटेटिव, बट इंडिया शोड रियल स्पिरिट। द पिच वाज स्लीपिंग वेरी लो बट द बैट्समैन गॉट सेट, दे हैड लॉट ऑफ पेशेंस एंड इन द एंड दे गेव एंटरटेनमेंट टू द क्राउड आल्सो। आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली राइट टू सी इंडिया विन ऑल द मैचेस। तो आप परफॉर्मेंस थी लगी इंडिया की? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, एज ऑलवेज वी डू वेल एंड वी आर गोइंग टू गेट द कप होम दिस टाइम। यूं तो फिल्मी संगीत की दुनिया में आपको कई बड़ी हस्तियां देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अगर संगीत से धड़कनों को जिंदा रखने की कला देखनी हो तो पलक मुच्छल को देखिए। पलक अपने कॉन्सर्ट से होने वाली कमाई से बच्चों के दिलों का इलाज कराती हैं। पहल अपने इस महाअभियान से पहले अब तक कुल मिलाकर अगर देखें तो 3,000 बच्चों को वो जिंदगी दे चुकी हैं और उनका ये दरिया दिली सफर अभी यूं ही जारी है। बच्चा
जिसके संगीत की लहरियां लोगों की धड़कन बन गई, जिसके सुर जिंदगी में बदल कर 3000 नन्हे दिलों में समा गए, उस शख्सियत का नाम पलक मुच्छल है। संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराने वाली पलक मुच्छल अपनी दरिया दिली से भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। दिल को बचाने से शुरू हुई उनकी ये कोशिश अब 3000 लोगों की धड़कन बन चुकी है। इंदौर में जन्मी प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर पलक मुच्छल ने एक नया कीर्तिमान रच दिया। पलक मुच्छल हर्ट फाउंडेशन के बैनर तले पलक ने इस महाअभियान की शुरुआत की। ये संस्था हर्ट की बीमारी से पीड़ित बच्चों की मदद करती है, जो 3000 सर्जरी करा चुकी है। पलक को अभी 413 और बच्चों का इलाज कराना है। इस सामाजिक कार्य के लिए पलक का नाम पहले से ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। पलक इसे अपने दिल की सुकून से जोड़कर देखती हैं। हर ऑपरेशन के दौरान पलक वहां मौजूद रहती हैं, भगवान से बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं, ताकि उन बच्चों की मुस्कान में खुद को शामिल कर सकें। कल 3000 सर्जरी है, बहुत एक्साइटेड हूँ, ओवरवेल्म्ड और इमोशनल भी। कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी पहल इतना बड़ा मकसद बन जाएगी, जिस मकसद से 3000 बच्चों को नई जिंदगी मिलेगी। पलक हर बच्चे के सफल ऑपरेशन को उनके माता पिता के साथ सेलिब्रेट भी करती हैं। पलक का हर कंसर्ट इन बच्चों की हर्ट सर्जरी को समर्पित होता है। पलक कहती हैं कि बच्चे इंतजार करते हैं कि पलक दीदी का कंसर्ट कब होगा और हमारी सर्जरी होगी। पलक मुच्छल की कोशिश आज हजारों चेहरों की मुस्कान, बच्चों के साथ ही उनके माता पिता को भी जिंदगी दे रही है। पलक की ये कोशिश सबके लिए एक मिसाल है। दिल, धड़कन और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने का उनका ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज से दो दिन बाद यानी 15 जून को कैंची धाम में स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर दुनिया भर के भक्त धाम पहुंच रहे हैं। प्रशासन और मंदिर समिति का अनुमान यह है कि आंकड़े 2 लाख तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से भक्तों की सहज यात्रा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां एक प्रशासन ने लोगों के मंदिर धाम तक पहुंचने, गाड़ियों की पार्किंग, मुश्किल हालात से निपटने तमाम इंतजाम किए हैं कुल मिलाकर। वहीं मंदिर समिति की ओर से प्रसाद से लेकर भगवान के दर्शनों के लिए एक मजबूत प्लान बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। आस्था के संसार और बाबा नीम करौरी के दरबार कैंची धाम में महाआयोजन की तैयारी है। अगर वक्त के आईने में देखें तो बेहद करीब है 2 दिन, लेकिन इतना सा लम्हा भी भक्तों के लिए लंबा इंतजार है। कई दिनों से यहां भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, ताकि 15 जून को वो कैंची धाम के उत्सव में शामिल हो सके और बाबा का आशीर्वाद ले सके। वहीं कोशा कुटोली को अब श्री कैंची धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। स्थापना दिवस पर ये फैसला उत्तराखंड सरकार की ओर से लिया गया है, जिसे भारत सरकार की मंजूरी भी मिल गई है। बाबा के भक्तों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। गाड़ियों की पार्किंग से लेकर भक्तों के ठहरने की व्यवस्था का पूरा इंतजाम है। भक्त खुद भी संयमित है और व्यवस्था में पूरा सहयोग दे रहे हैं। मेले में बाबा के प्रसाद का खास महत्व है, इसीलिए इसे लेकर तैयारियां भी बेहद खास है। उम्मीद है स्थापना दिवस के दिन यहां करीब 2 लाख तक श्रद्धालु आ सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रसाद की 2 लाख थैलियां तैयार करवाई गई है। 2 लाख भक्तों के आने से लगने वाले जाम से निपटने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। गाड़ी पार्किंग से लेकर मंदिर परिसर तक पहुँचने की व्यवस्था की गई है। भवाली और गर्म पानी से शटल के लिए करीब 100 से ज्यादा बस और 500 छोटी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। भवाली और गर्म पानी में पार्किंग के लिए 14 जगहों को रिजर्व किया गया है। इन जगहों के अलावा कहीं और पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। पार्किंग स्थलों में 1500 से ज्यादा छोटे बड़े वाहन पार्क हो सकते हैं। पार्किंग स्थलों को 10 जोन में बांटा गया है।
साथ ही मंदिर परिसर के 100 मीटर के दायरे में बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि लोगों को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न हो। कैंची धाम में शिप्रा नदी में मंदिर परिसर और पुल के आसपास भक्त स्नान करते हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर इस दिन शिप्रा नदी में स्नान पर रोक रहेगी। इमरजेंसी के लिए यहां हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद होगी ताकि गंभीर हालत में लोगों को आकस्मिक सेवा भी दी जा सके। भक्तों का जोश हाई है और प्रशासन की तैयारियां पूरी है। उम्मीद है कि सभी भक्तों को बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आजकल महानगरों में सीसीटीवी कैमरे दिखना आम बात है। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरों की अहमियत बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गांव ने भी समझी और पूरे गांव को कैमरों की निगरानी में रखा, जिससे क्राइम का ग्राफ काफी हद तक कम हो गया है। चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख से नजर, क्राइम रोकने के लिए सीसीटीवी का पहरा। सड़कों से लेकर चौराहों तक, गलियों से लेकर मोहल्लों तक, गांव का चप्पा चप्पा सीसीटीवी से पूरी तरह से लैस है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर का जजवार गांव है, जहां हर कोई सीसीटीवी निगरानी में रहता है। गांव में आने जाने वाले सभी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, असुरक्षित वो लोग महसूस करते हैं, करते होंगे जिन्होंने चोरी चकारी ये सब अपना धंधा अपना लिया था। हम लोग तो व्यापारी हैं, हम लोग तो खुशी की बात है कि हमारे गाँव में सीसीटीवी, हमारे पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लग चुका है, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। कभी आपराधिक वारदात की वजह से गांव के लोग दहशत में रहते थे, लेकिन सीसीटीवी लगने के बाद गांव में अपराध के ग्राफ में कमी आई है और गांव के लोग पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। पहले कोई ना कोई अप्रिय घटना होता ही था, अभी थोड़ा जब से सीसीटीवी कैमरा लग गया है तब से थोड़ा शांति का माहौल है, तो सलाह मिला है। अब चिंता ही वाला घटना सब नहीं होता है, सब जो अपराधी तत्व का आदमी है सब डरा हुआ रहता है, घटना लगाम लगा है, लाभ मिला है। जी, जो लड़का लोग यंग ब्लड है, वो जो नशा का मतलब आदि हो गया था, जब सीसीटीवी कैमरा लग गया तो अब इस सब से वो वंचित हो गया, दूर हो गया सर। अब यही कहना चाहेंगे कि हमारे मुखिया जी बहुत सराहनीय काम किए हैं। दरअसल एक साल पहले गांव की महिला के साथ कुछ मंचलों ने छेड़खानी की थी। लोगों ने आरोपी को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि गांव में एक ही सीसीटीवी कैमरा था जो खराब पड़ा था। विचार किया और पता किया तो हमको ये हुआ, जो है सोलर और ये अन्य खर्च करने के बाद जो अगर मत बचती है तो आप इसमें अलग से कर सकते हैं, तो वही हमने फिर 15वीं तारीख से उसको लगवाने का काम अपने पंचायत में किया। न सिर्फ गाँव में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, बल्कि तमाम फुटेज पर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है, जहां से पूरे गांव की मॉनिटरिंग होती है। वेस्ट प्रोसेसिंग, सोलर लाइट, ये सब सारा जरूरी है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और किसी गांव में अगर इस तरह का प्रयास हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। जैसे शहरों में सीसीटीवी कैमरा लगता है और उसकी IEEE से मॉनिटरिंग होती है, उसी तरीके से गाँव में भी अगर सीसीटीवी लगता है तो ये प्रोग्रेसिव स्टेप है और इससे जो है निश्चित रूप से बेहतरी होगी गांव की। दरअसल केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग के तहत एक योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत पंचायत स्तर पर गांव के अंदर अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अब तक इस गांव में 17 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, जबकि अभी और 10 कैमरे लगाए जाने हैं। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। इंसान हो या जानवर, इस चुभती जलती गर्मी से सभी परेशान हैं। जिसे जो रास्ता दिख रहा है उससे राहत लेने की कोशिशों में वो जुटा हुआ है। ऐसे में कई बार कई रोचक तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। आइए देखते हैं ऐसी ही दो तस्वीरें। मौसम नजारे ही नहीं बदलता, कई बार नजरिया भी बदल देता है। अब देखिए, इस गर्मी ने इतना बेहाल किया कि जंगल के राजा से लेकर शहरी लोग क्या क्या कर रहे हैं।
जिंदगी की तलाश में हम जंगलों से कहां आ गए। इन शेरों को देखकर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। ये वीडियो चूना करता है जहां पानी की तलाश में बेचैन हुए दोनों शेर आबादी के करीब तक जा पहुंचे। हल्कान गले को एक फार्म हाउस के पास बाल्टी में पानी मिल गया तो जान आई। फिर क्या था, गर्मी की मार इतनी भारी कि तालाब में पानी पीने वाले जंगल के राजा को बाल्टी ही समंदर लगने लगी। दोनों ने छक कर पानी पिया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी यह हरकत कैद हो गई। अब धर्म नगरी काशी की तस्वीर देखिए। ये मंगल गान, ये मंत्रोच्चार, ये विधि विधान भी गर्मी के मौसम को मात देने की तैयारी के लिए है। ये सारी तैयारी है इंद्रदेव को प्रसन्न करने की, ताकि झमाझम बारिश हो और राहत की फुव्वारे पड़े। अब इसी कवायद में मेंढक और मेंढकी की शादी कराई जा रही है। मान्यता है कि इनकी शादी से भगवान प्रसन्न होकर बारिश करते हैं। अब इन मान्यताओं के मुखौटे के पीछे का सच कुछ भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि गर्मी के सितम में कैसे लड़े हम की जद्दोजहद हर तरफ जारी है। जूनागढ़ से ब्रजेश और वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ गुड न्यूज़ टुडे।